पशुपालक भाइयों, नमी के आधार पर चारा को दो भागों में बांटा गया है, सूखा चारा तथा हरा चारा। सूखा चारा जैसे गेहूं का भूसा, धान का पुआल, बाजरा एवं मक्के की कड़वी आदि की गणना कम गुणवत्ता वाले चारे के रूप में की जाती है, जबकि हरा चारा पशुओं के लिए अधिक पौष्टिक होता है। इसके अलावा हम दूसरा पार्ट जो लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट की बात कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेट में भी आप उन तरह के सामग्रियों को मिला सकते हैं जिसमें रेशा की मात्रा 18% से कम है। जैसे उसमें आप सीरियल ग्रेन्स को ले सकते हैं जो अनाज के ये पे, जैसे मक्का दर्रा हो गया, या आप जितने भी अनाज मक्के, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, ये सब आप ले सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री बाई प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे व्हीट ब्रान, राइस ब्रान, दाल चुन्नी, या केक्स होते हैं, बहुत सारे दलहन के केक होते हैं, जीएनसी हैं, मस्टर्ड केक्स हैं, तिल केक हैं, इस तरह के चीज़ों को लेते हैं। इसके अलावा उसमें हम मिनरल्स सही मात्रा में मिलाते हैं। जैसे आप गाय भैंसों की बात करते हैं तो वहाँ पर निश्चित तौर पर मिनरल्स की आवश्यकता बहुत ही बढ़ जाती है। इसके अलावा विटामिन्स की ध्यान रखते हैं। इन सबों को मिला के एक उचित अनुपात में जब हम मिलाते हैं तो ये एक कॉन्सेंट्रेट राशन बनता है, जिसमें हम मुख्य रूप से प्रोटीन की मात्रा को ध्यान पर रख के बनाते हैं। तो दुधारू पशुओं में किसान भाइयों, इसमें 18-20% की अगर प्रोटीन की मात्रा रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे तो अलग अलग तरह के फॉर्मुलेशंस डिजाइन किए जाते हैं, पर एक थंब रूल के अनुसार अगर हम किसान भाई आप सब लोगों को सलाह देना चाहेंगे इसमें, वो अगर थंब रूल अपनाएं तो आप सीरियल ग्रेन्स में कॉन्सेंट्रेट राशन अगर आप बना रहे हैं तो सीरियल्स ग्रेन्स की 33% आप सीरियल ग्रेन्स रखें। फैक्ट्री बाई प्रोडक्ट्स जो किसी भी फैक्ट्री के द्वारा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, ये व्हीट ब्रांस या दाल चुन्नी, इस तरह की चीज़ों को आप 33% रखें। इसके अलावा जो केक्स हैं, मतलब खल्ली जो है, आप जो भी खल्ली खाते हैं पशु, उन सब आपके पशु जिसमें भी आप यानी ये महसूस करते हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप सब खल्ली खिला सकते हो, उन सबों को आप 33% की मात्रा रखें। इसके साथ आप 1-2% मिनरल की मात्रा ज़रूर रखें। अभी जैसे ठंडा का समय चल रहा है तो आप मिनरल की मात्रा ठंडे के समय में और गर्मी के समय में 2-3% भी मिनरल की मात्रा रख सकते हैं, तो इससे पशुओं और थोड़ी आरामदायक स्थिति में रहते हैं और उनकी प्रजनन क्षमता जो है ना ये बनी रहती है। पशुपालक भाइयों, दुधारू पशुओं से क्षमतानुसार उत्पादन लेने के लिए उनके भोजन में दाने को सम्मिलित करना अति आवश्यक है। दाने के मिश्रण में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे तिलहन, दलहन, उनकी चूर्ण और सभी खल्ली जैसे सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी आदि की खल्ली तथा गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, चोकर आदि होते हैं। इसके अलावा इसमें खनिज मिश्रण, नमक तथा विटामिन मिश्रण की भी आवश्यकता होती है। उत्पादन आहार के रूप में, जैसे निर्वाह आहार के अलावा अगर उत्पादन देना चाह रहे हैं तो गायों में प्रति 2.5 किलो दूध पर 1 kg आप दाना मिश्रण रखें और भैंसों में प्रति 3 kg दूध पर 1 kg दाना मिश्रण रखें। जैसे उदाहरण स्वरूप कहें तो किसान भाइयों, अगर आपकी गाय 10 kg दूध दे रही है तो आप निर्वाह आहार के रूप में 1-1.5 kg रखें। इसके अलावा 10 / 2.5 अगर हम करते हैं 2.5 kg के हिसाब से तो 4 kg दाना मिश्रण बनता है। इसका मतलब टोटल दाना मिश्रण की बात करें तो वो 5-5.5 kg आता है। तो किसान भाइयों, ये दाना मिश्रण की एक और अगर हम बात करें तो दाना मिश्रण को आप आहार की जो माने जो रेशेदार चारा जो आप दे रहे हैं, चारा की या गुणवत्ता के अनुसार में इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपके पास दलहनी चारा फसल की मात्रा अच्छी है, मिल रही है, या फिर आप गुणवत्ता युक्त जो हरा चारा मिल रही है, तो आप जो कॉन्सेंट्रेट राशन है, जो दाना मिश्रण की मात्रा है, इसको आप कम भी कर सकते हैं। जैसे ही उसकी गुणवत्ता रहती है आप इसको आधा तक भी ला सकते हैं या निर्वाह आहार तक भी ला सकते हैं। इसमें आपकी जो उत्पादन लाभांश है ये बढ़ेगा, उत्पादन खर्च जो है ना ये कम होगा और आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। इस तरह से यदि हम वैज्ञानिकों की अनुशंसा पर दुधारू पशुओं के चारा और दाने का प्रबंध करेंगे तो निश्चित तौर पर उनसे अधिक मात्रा में दूध उत्पादन ले पाएंगे। इससे एक तरफ तो इन पशुओं को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, पशुपालकों की आमदनी भी बढ़ेगी।